आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 18 जुलाई से आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगने जा रहा है। जीएसटी काउंसिल ने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली जिन चीजों पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया था, अब उसकी वसूली का समय सामने आ गया है। एक दिन बाद यानी 18 जुलाई से आपको महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगने जा रहा है। 18 जुलाई से सरकार ने पैक्ड और लेवल युक्त प्रोडक्ट मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, मखाने, सोयाबीन, मटर, गेहूं, अनाज, मुरमुरे जैसे प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि ये प्रोडक्ट अब तक जीएसटी के दायरे में नहीं थे, लेकिन 18 जुलाई से इन पर जीएसटी लगेगी। यानी जीएसटी लगने के बाद इन फूड प्रोडक्ट्स की कीमतों पर भारी बढ़ोतरी होनी है। इसके अलावा मीट, मछली, दही, पनीर, शहद जैसे प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना ही महंगा होगा, बल्कि 18 जुलाई से सरकार ने होटल के कमरों पर लगने वाले जीएसटी को भी 12% कर दिया है। जीएसटी काउंसिल के फैसले के मुताबिक 1000 से कम किराए वाले कमरों पर अब आपको 12% जीएसटी देना होगा। केवल खाने की चीजें नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ महंगा होने जा रहा है। प्रिंटिंग, चाकू, पेंसिल, शार्पनर, एलईडी लैंप, आर्ट और ड्राइंग प्रोडक्ट्स पर 18% जीएसटी लगेगा। वहीं टेट्रापैक, बैंक की चेक की सर्विस पर 18% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा मिट्टी से जुड़े प्रोडक्ट भी महंगे होने जा रहे हैं। इन पर 5% से बढ़ाकर जीएसटी को 12% कर दिया गया है। 18 जुलाई से जहां अधिकांश चीजें महंगी हो रही हैं, तो वहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोपवे पर जीएसटी दर में कटौती की गई है। माल ढुलाई को सस्ता किया गया है। इसके अलावा हड्डी से जुड़ी बीमारी का ट्रीटमेंट सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इस पर जीएसटी दर में कटौती कर इसे 12% से 5% कर दिया गया है। वहीं फाइलेरिया रोधी दवा सस्ती हो जाएगी। माल ढुलाई 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।